हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितेश वर्मा। आज की वीडियो में हम जानेंगे ऑप्शन की के बारे में, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, कीबोर्ड में ऑप्शन की एक ही होता है और वो कंट्रोल और विंडोज़ के बीच में होता है, राइट साइड स्पेस की के। तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इनका फीचर्स, इनका यूज क्या होता है। तो देखिए, जब कभी भी हम ऑफिस में कार्य करते हैं और कार्य करते वक्त हमारा बाय द वे माउस थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाए, काम ना करे, उस सिचुएशन में ऑप्शन की एक बहुत अहम भूमिका रोल निभाता है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि अगर आप सिस्टम ऑन कर रहे हैं, आपको रिफ्रेश भी करना है, तो ऑप्शन की को प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन पर आ जाएगा। देखिए, अगर आप प्रेस करेंगे ऑप्शन की तो ये आ गया। आप एरो की मदद से इस ऑप्शन पे जा सकते हैं। इसमें जो भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए हमको रिफ्रेश करना है, तो रिफ्रेश पे गए एरो की मदद से, अप डाउन करके और इंटर की प्रेस कर देंगे तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। हालांकि रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की होता है, जब F5 प्रेस करेंगे तो आपका सिस्टम रिफ्रेश हो जाएगा। और कुछ ऐसी बातें हैं कि अगर आप माउस का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो सारे ऑप्शन ये इसी बटन से हम ओपन भी कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे हमने एरो की मदद से, ये देख रहे हैं स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, ठीक है, लेफ्ट राइट अप डाउन आइकन्स पे जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमको ये फोल्डर ओपन करना है, तो हमने कीबोर्ड से ऑप्शन की को प्रेस किया, तो देखिए इसके राइट साइड में एक ऑप्शन मेनू खुल गया। आप एरो की मदद से इसको ओपन कर सकते हैं, कट कापी पेस्ट डिलीट रीनेम, इसका प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। अब तमाम तरह के फीचर्स हैं जिनका यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ओपन करना है, ओपन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। फिर अल्ट F4 से आप बंद कर लीजिए, माउस का कोई ज़रूरत नहीं है। उसी तरह अगर मान लीजिए कीबोर्ड ख़राब हो जाए, तो आपको एक सिंपल इसी में ट्रिक बता दे रहा हूँ, आप विंडोज़ और R की प्रेस कीजिए, इसमें OSK लिखिए, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपके सामने एक आ जाएगा और आने के बाद कीबोर्ड का काम ख़त्म। फिजिकली आप स्क्रीन कीबोर्ड की मदद से आप प्रेस करके, टाइप करके लिख सकते हैं। देखिए, जैसे हमने R प्रेस किया तो जहाँ जहाँ R है वहाँ वहाँ जाएगा। उसी तरह हमने I प्रेस किया तो इसमें I नहीं है, I है एक, यहाँ पे दिखाई दे रहा है इमेज की फोल्डर। और उसी तरह हमने C प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर पर चला गया। तो इसकी भी मदद से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, कीबोर्ड अगर डिस्टर्ब हो जाए तो। तो ये वीडियो का इन्फॉर्मेशन जानकर कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।